यूनिट्स के बारे में पढ़ाया गया। कहे कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। थोड़ी सी रिकैप कर ली जाए पिछले चैप्टर लेक्चर का, तो मैं बताया फिजिक्स ब्रांच ऑफ साइंस मेजरमेंट से रिलेटेड, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, फिजिक्स ग्रीक वर्ड है ना, बहुत सारे जगह कुछ कुछ लिखा रहता है फुसिस, तो नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना पर आधारित साइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिक्स। अब नेचर में और भी साइंस होगा लेकिन हम लोग को फिजिक्स से पढ़ना है, मेजरमेंट की बात करनी है। तीसरा बताए थे मैटर और इनर्जी में रिलेशन दर्शाने वाले साइंस को हम लोग फिजिक्स बोलेंगे। ई बराबर एम सी स्क्वायर लिखाए थे, एम के जगह मास डिफेक्ट बहुत सारे केस में लिखना बोला। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटी को क्यू बराबर एन यू बराबर कॉन्स्टेंट लिखना सिखाया। एन वन यू वन बराबर एन टू यू टू सिखाया। एन वेरीज वन बाई यू सिखाया या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ, इसका बताया पिछले लेक्चर में। मैं बताया था यूनिट का डिफिनेशन, यूनिट इज चूज एन स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड। फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको बोला गया जो मिजरेबल क्वांटिटीज होगा, जिस पर फिजिक्स का लॉ आधारित होगा, किसी क्वांटिटी से रिलेटेड होगा फिजिक्स का लॉ, तो उस क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज बोलेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। यूनिट में एक वर्ड आया था, इट इज ए चूजन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी बोला गया, स्टैंडर्ड बोले थे। अब स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग होगा बच्चों, या वहीं पर पिछले लेक्चर में जोड़ा जा सकता है यूनिट के नीचे। स्टैंडर्ड में सबसे पहला चीज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्ट किया जाए, एक छोटे से इलाका एक गांव और एक कंट्री को भी एक तरह से बोला जाए कि मान लेने से वह स्टैंडर्ड नहीं बोला जाएगा। उस कंट्री के स्टैंडर्ड हो सकता है लेकिन पूरे वर्ल्ड के लिए स्टैंडर्ड होने के लिए पूरे इंटरनेशनली रूप से एक्सेप्टेड होना चाहिए। मीटर सारे कंट्री में बोला जाता है, अभी हम लोग के यहाँ फिट और गज चलता है, बोलते हैं बोल चाल की भाषा में। अभी मोदी जी भाषण में बोल रहे थे है ना, दो गज की दूरी, ये गज पुराने सिस्टम में, हम FES सिस्टम में अभी आ रहे हैं, उसको कन्वर्सन में लिखाएंगे। और कोई आदमी बोलता है 6 फीट की दूरी, तो गज और फीट की बात करते हैं, लेकिन वह गज और फीट स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, उसको मीटर और सेंटीमीटर में बोले, मीटर में बोले तो पूरा अमेरिका वाला भी यूज करेगा, इंग्लैंड वाला भी, रसिया वाला भी यूज करेगा, लेकिन तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होगा तभी स्टैंडर्ड कहा जाएगा। दूसरा बोलते हैं बच्चों वेल डिफाइंड, जो अच्छे ढंग से परिभाषित हो, डिफाइंड हो, और जिसकी का डिफिनीशन प्रोवाइड किया गया है हम लोग के फिजिक्स के बुक में। थर्ड है इनवेरिएबल, फोर्थ इनवेरिएबल मीन्स क्या है? अब एक मीटर जितना यहाँ पर मेजर करेगा कोई चीज़, उतना ही दूसरे कंट्री में भी, तो मीटर इज स्टैंडर्ड, मीटर इज स्टैंडर्ड, वो जगह और समय के साथ चेंज नहीं होगा, तो उसको इनवेरिएबल बोलेंगे। तो स्टैंडर्ड की बात किए। चौथा बोलते हैं इजिली अवेलेबल, जो आसानी से अवेलेबल है, एसेसिबल हो। अब स्टैंडर्ड ऐसा चीज नहीं हो कि अब उसको पता लगाने में ही हम लोग को डिफिकल्टी आ जाए, तो जो इजिली अवेलेबल होगा, जिस तरह का जिसमें करेक्टरिस्टिक होगा जिस क्वांटिटी में, उसको स्टैंडर्ड बोलेंगे और उसी को यूनिट के रूप में हम बोलेंगे। तो यूनिट स्टैंडर्ड के लिए क्या हो गया, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वेल डिफाइंड इनवेरिएबल इजिली अवेलेबल और एसेसिबल है ना। तो इतनी बात पिछली क्लास की बात है, ये सब यूनिट में मैं बताया, पहले तो क्वांटिटीज बोला दो तरह का,
फंडामेंटल क्वांटिटीज और ड्राइव्ड क्वांटिटीज, और यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, और यूनिट्स ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज चाहे यूनिट्स ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स। तो उस तरह का चीज़ लिखा दिए, है ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर आ गए थे, CGS, FPS, MKS, SI बोल रहे थे, साथ फंडामेंटल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटीज बेसिक यूनिट्स भी बोला गया उसका यूनिट को, और मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, और टेम्परेचर के लिए केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल बोला गया, और लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। तो अब सबका सिंबल आना चाहिए, ये आना चाहिए। उसके बाद मैं दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। फिजिक्स में किसी भी क्वांटिटी को यूनिट लिखने के लिए सात फंडामेंटल यूनिट्स की ज़रूरत पड़ी, और उसके बाद भी कुछ में डिफ़िकल्टी आया, उसके उसको पूरा करने के लिए अलग से दो सप्लीमेंट्री यूनिट दिया गया, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। पिछले क्लास में प्लेन एंगल तक मैं पहुँचाया था, है ना। प्लेन एंगल को हम लोग लिखा है डी थीटा, छोटा एंगल डी थीटा सेंटर पर बन रहा था सर्कल के आर्क के कारण, और आर्क की लेंथ ले रहे थे डीएस, और रेडियस आर, तो डी थीटा बराबर डीएस बाई आर, उसका ये यूनिट बोले रेडियन, सिंबल RAD लिखा है। सॉलिड एंगल बोले उसका यूनिट एस्टेरेडियन, और सिंबल SR लिखा है। तो हम लोग प्लेन एंगल की बात को थोड़ी सी और बढ़ाते हुए सॉलिड एंगल की ओर चले, है ना। ये पिछले क्लास का रिकैप था कि फिजिक्स, मेजरमेंट, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, मैटर एंड एनर्जी, और मेजरमेंट में दो चीज़ एन और यू, एन वेरीज 1/U, एज यूनिट इंक्रीजेज न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज, यूनिट बड़ी होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होगी, एंड भाई सबरसा बोले थे। तो इस तरह का चीज को, पिछले चीजों को थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहे तो आपको फायदा महसूस होगा। तो हम लोग प्लेन एंगल को और थोड़ा बढ़ाते हुए कन्वर्शन में बता देता हूं कि एक डिग्री कितना रेडियन होगा, एक डिग्री में 60 मिनट होगा तो क्या होगा, और एक मिनट में 60 सेकंड होगा। यह मिनट और सेकंड एंगल के लिए लिखा जा रहा है ना, तो मैं उसको बताने जा रहा हूं। इस तरह लेते हो वही सर्कल सेंटर पर, पूरी एंगल कितनी, फोर क्वाड्रेंट में बटा, तो ये पूरी सेंटर पर की एंगल कितनी 360 डिग्री, जिसको 2π रेडियन लिखते हैं। 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन, 90 डिग्री बराबर π/2 रेडियन, 180 डिग्री बराबर π रेडियन, और 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। पाई का वैल्यू रख दिया जाए 180 से डिवाइड करें तो वैल्यू निकल जाएगा। मैं यहाँ कोशिश किया, एक चार्ट बना दिया, है ना। वो NCERT का प्रॉब्लम देंगे तो देखेंगे तो फर्स्ट एग्जांपल वो जो एक्सरसाइज के अंदर, मतलब चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, उसमें यही सब कन्वर्ट करने वाला चीज़ है कि एक डिग्री को क्या चीज़ में बदले, रेडियन में, मिनट को रेडियन में, सेकेंड को रेडियन में। 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर दिस मच कैंसिल। इतना याद रखना है कि 1 डिग्री बराबर 1.745 × 10⁻²⁺ रेडियन। सारा कन्वर्सन याद होना चाहिए, वो करने का है कर लेंगे, और लेकिन याद रखने का चीज़ है वो, है ना। फिर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, ये मिनट वो टाइम वाला मिनट नहीं बोल रहा है, तो ये एंगल का है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट बराबर दिस मच, तो 1 मिनट बराबर तो दिस डिवाइडेड बाई 60 कर लेंगे इसको 2.908 × 10⁻⁴ रेडियन। आगे इस 2.908 × 10⁻⁴ रेडियन, अब इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे, है ना, डिसिमल के बाद दो अंक तक, तो यह 8 है, तो यह बढ़ के 0 जो बढ़ के 1 से बढ़ जाएगा तो 2.9। आगे के क्लास लेक्चर में हम इस तरह के प्रॉब्लम को लेकर आएंगे, तब और क्लियर हो जाएगा। फिर इसी तरह 1 मिनट बराबर 60 सेकंड बराबर दिस मच, तो 1 सेकंड बराबर हाउ मच, 2. इसको डिवाइड कर दो 60 से इस वैल्यू को, तो हमको 4.847 × 10⁻⁶। पहला वाला में 10⁻², दूसरे वाला में 10⁻⁴, तीसरे वाला में 10⁻⁶। इसको रिपीट करेंगे तो याद होगा वैल्यू, और इसी को अप्रॉक्सीमेट करें, या 7 है, 5 से ऊपर है, तो यह पहले वाला जो डिजिट है वो 1 से क्या होगा बढ़ जाएगा, तो 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बोलेंगे इसको। ये तीनों कन्वर्शन याद होना चाहिए प्लेन एंगल के लिए, 360 डिग्री बराबर 2π रेडियन,
तो 1 डिग्री बराबर 2π/360, π/180 कर दिए सब कट 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 के, और 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, बार बार अपने से करने का है, इसको याद करने का चीज़ है। मैं चलूँ सॉलिड एंगल पर, प्लेन एंगल समझा हुआ है भाई, एक सर आर्क के कारण जितना एंगल बनता था इसको प्लेन एंगल डी थीटा लिखे या डी एस लिखते थे या आर लिखते थे, तो डी थीटा बराबर डी एस बाई आर समझाया हुआ है प्लेन एंगल। सीधी सी बात कहते थे क्या, एक लाइन के द्वारा किसी पॉइंट पर बनाया गया एंगल को इसको प्लेन एंगल बोलेंगे, या प्लेन एंगल होगा, या दो लाइन के बीच में, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा दैट विल बी प्लेन एंगल। तो ये प्लेन एंगल का केस था। अब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करें। अब सॉलिड एंगल मैं है ना पिछले लेक्चर में भी बोला, ये जो बोर्ड है मेरे सामने में आप लोग है ना देख रहे होंगे है ना, तो इस फ्रेम के इस लाइन ऊपर वाले लाइन के कारण मेरे नाक पर जो एंगल बनेगा वो दैट विल बी प्लेन एंगल। मेरे नाक से उसको उस कॉर्नर को मिला बे, उस कॉर्नर को मिला बे, और जो एंगल बना नाक पर वो क्या चीज़ प्लेन एंगल। लेकिन इसके चारों पूरे एरिया के कारण मेरे नाक पर क्या होगा जो एंगल बनेगा दैट विल बी सॉलिड एंगल। तो एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट अराउंड ए पॉइंट बाई एन एरिया एलिमेंट और एरिया इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। एरिया किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगा बच्चों उसको हम लोग सॉलिड एंगल बोलेंगे है ना। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है जैसे कोन, अब ये कोन ली, ये हॉलो कोन है, यह उसका बेस वाला एरिया है, बीच में भी एरिया बना सकते हैं हम लोग, और ये जो एंगल बनाया ये दैट विल बी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला या डी ओमेगा लिख दें, या कैपिटल ओमेगा, ओमेगा है ग्रीक लेटिन सिंबल है जो हम लोग रेजिस्टेंस के लिए लिखते आ रहे हैं, ओम बोलते थे, लेकिन यहाँ पर यह सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं पिछले लेक्चर में डी का इंपॉर्टेंस बता रहा था, बहुत छोटा कोई क्वांटिटी हो तो उसमें डी लगा दे, दूरी था एस, छोटी दूरी एकदम इन टेंस टू जूरी लिखते थे डी एस लिखते थे, एंगल होता था थीटा तो डी थीटा लिखा जाता था जब टेंस टू जीरो, बहुत छोटा है स्मॉल एंगल, उसी तरह डी ओमेगा, और यह एरिया लिखा जाएगा, ये छोटा एरिया है ना, और यह डिस्टेंस बोला जाएगा यह आर, और यह एरिया को हम लोग डी ए लिखेंगे, छोटे एरिया एलिमेंट को। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होगा डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर, सिंपली एरिया बाई डिस्टेंस स्क्वायर से काम अभी चल जाएगा, आगे इसका और ढेर कंसेप्ट बनाना होगा जब 12 में गॉस थ्योरम ऐसा पढ़ाया जाएगा। तो सॉलिड एंगल, और मैं समझाने का कोशिश करता हूँ किसको, सॉलिड एंगल को, यह सिंपली एरिया बाई डिस्टेंस स्क्वायर, एरिया भी कितने के बराबर हो जाए बच्चों, आर स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 स्टेरेडियन का डिफिनीशन ही वही होगा। तो देखो भाई फुटबॉल सारे बच्चे देख रहे होंगे, यह तो 2 डायमेंशनल चीज़ है, 3 डायमेंशनल फुटबॉल होता है फुटबॉल, और फुटबॉल में जो जनरली अपने लोग के इलाके में जो फुटबॉल, अब तो बहुत कम क्रिकेट का बॉल वाला ज़्यादा है, लेकिन जो फुटबॉल होता है अपने लोग के यहाँ वो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट इस तरह का स्मॉल स्मॉल सेगमेंट से बना हुआ होता है, स्मॉल एरिया एलिमेंट सबसे बना रहता है ना, तो वो जो छोटा एरिया ले लेते हैं उसको, एक एरिया को A1, दूसरे को A2, तीसरे को, इसी तरह एन छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर वो पूरा फुटबॉल गोला बना हुआ है, और उसका गोले का एरिया होता है 4πr², और यहाँ पर मान लो एक छोटा एरिया ले लो बाबू, और यह सेंटर ले लिए, इस एरिया के कारण यह रेडियस क्या होगा r होगा, या छोटा एरिया A1 ले लेंगे, एरिया का डायरेक्शन आगे पढ़ाएंगे कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, यह छोटा एरिया जितना भी ले लेंगे सब वेक्टर क्वांटिटी होगा, और उसका डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड, इस स्फीयर के केस में रेडियली आउटवर्ड बोला जाता है, आउटवर्ड, और लेकिन जब इस तरह का सरफेस रहेगा ये ओपन सरफेस बोलते हैं, इसके लिए एरिया का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, इस पर ऐसे कर देंगे तो इस डायरेक्शन में होगा, अगर इस साइड वाले फेस पर लेंगे तो इधर हो जाएगा, लेकिन क्लोज सरफेस है जैसे गोला है, सिलेंडर वाला केस होगा, क्लोज वाला बात करें क्लोज सरफेस, तो उस पर एरिया का डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बोला जाता है।
तो एरिया का डायरेक्शन इधर की ओर। तो यहाँ पर जो ये सॉलिड एंगल बनाएगा मेरा बच्चा, छोटा सा एंगल, वह ए वन बाई क्या चीज़ आर स्क्वायर। उसी तरह दूसरा एरिया ले लेंगे, तो यह एरिया ए टू, इसका डायरेक्शन इधर लेकिन रेडियस वही रहेगा, ए टू बाई आर स्क्वायर। तो टोटल सॉलिड एंगल क्या होगा, टोटल सॉलिड एंगल को, टोटल सॉलिड एंगल फिर से समझ लो भाई, फुटबॉल में छोटा छोटा टुकड़ा और हर टुकड़े का कारण हम लोग अलग अलग एंगल निकालने जा रहे हैं। सॉलिड एंगल निकाले हैं ए वन बाई आर स्क्वायर, ए टू बाई आर स्क्वायर, ए वन बाई आर स्क्वायर, ए टू बाई आर स्क्वायर, सॉरी ए टू बाई आर स्क्वायर डॉट 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 डॉट, एन एलिमेंट से बना हुआ है तो ए एन बाई आर स्क्वायर, वन बाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो और इसके अंदर ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन। बच्चो ये पूरा मिलकर क्या होगा, पूरा गोला बना देगा, और पूरे गोला का एरिया होता है फोर पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर लिखा जाएगा इसके जगह, और आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल का 4 पाई स्टेरेडियन कहलाएगा। तो टोटल सॉलिड एंगल बाय ए क्लोज सरफेस इज हाउ मच, 4 पाई स्टेरेडियन, 4 पाई स्टेरेडियन। तो मैं फिर से सॉलिड एंगल का डिफिनीशन मैं थोड़ा सा बता दूं, और इस तरह की बात फिर से एरिया, सिंपल फार्मूला, एरिया बाय डिस्टेंस स्क्वायर। आगे मैं बताऊंगा प्लेन एंगल में जो बताया डी थीटा बराबर डी एस बाई आर, डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वाली बात थी, यहाँ पर एरिया बाई डिस्टेंस स्क्वायर। आगे जब डायमेंशन बताएंगे तो बोथ आर प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशन लेस, लेकिन दोनों का एक स्पेशल यूनिट हो गया रेडियन और स्टेरेडियन। तुमसे पूछा जाएगा इज इट पॉसिबल ए क्वांटिटी हैव नो डायमेंशन बट हैव डैम यूनिट, तो आंसर होगा येस, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल उसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा लेकिन यूनिट होगा। तो ये सॉलिड एंगल की बात बोले, एरिया के कारण किसी पॉइंट पर बनाए गए एंगल को सॉलिड एंगल बोलते हैं। अब सॉलिड एंगल का डिफिनेशन, सॉलिड एंगल, एंगल सबटेंडेड एट ए पॉइंट बाय एन एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और एरिया। तो एक एरिया के एलिमेंट के कारण या एरिया, पूरे एरिया के कारण, फुटबॉल का पूरा एरिया दिखा रहे थे, बाय आर एरिया इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। इसका ऐसा यूनिट स्टेरेडियन बोले, हमने पीछे बताया डी ओमेगा बराबर डी ए बाई आर स्क्वायर। अगर इसका वैल्यू भी आर स्क्वायर हो जाए एरिया का, तो यह वन आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो वन स्टेरेडियन हो जाएगा। तो वन स्टेरेडियन, स्टेरेडियन का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो क्या है वहाँ सर्कल का सेगमेंट आर्क, यहाँ पर ये सरफेस जो एरिया है उसका आर्क का एरिया हम लोग ले लेते हैं कितना, आर स्क्वायर के बराबर। तब जितना इस एरिया के कारण, छोटे से एरिया के कारण जिसका रेडियस आर स्क्वायर के बराबर है, उस के कारण जितना एंगल बनेगा सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर, दैट विल बी कॉल्ड वन स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन। यहाँ मैं लिखा हुआ स्टेरेडियन, इट इज़ डिफाइंड एज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाई एन एरिया बाई एन आर्क ऑफ इट्स सरफेस इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये छोटा जो एरिया लिए डी ए, वह आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो वन स्टेरेडियन हो जाएगा। तो यह सॉलिड एंगल हो गया, एक पॉइंट के चारों ओर का सॉलिड एंगल, मैं क्या बताया, फोर पाई स्टेरेडियन, है ना। तो एक क्लोज सरफेस, ओपन सरफेस, इस तरह का चीज़ गॉस थ्योरम इस सब में आएगा, तो 12 के क्लास में आएगा। तो अभी सिर्फ आपको मतलब क्या चीज़ से था कि सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हो गया, जिसका यूनिट क्या लिया जाएगा, तो स्टेरेडियन लिया जाएगा और वह डायमेंशन लेस होगा, और इसी तरह प्लेन एंगल रेडियन और वह भी डायमेंशन लेस। बस इतनी जानकारी से अभी के क्लास में हम लोग का काम चल जाएगा। आगे मैं चल रहा हूँ कन्वर्सन में बताने जा रहा हूँ कि एक केजी 1000 ग्राम, 1 केजी 1000 ग्राम होता है, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 1 आवर 20
है ना 60 सेकेंड होता है, वन डे बराबर 24 आवर, ये सब जितनी जानकारी है उसको एक जगह, तो बहुत सारा चीज़ जानकारी में होगा, बहुत सारे चीज़ को नए तरीके से याद करने का कोशिश करेंगे, तो कन्वर्शन में बताने जा रहा। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स सारे बच्चे को पता चल चुका कि देर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आज के दौर में इंटरनेशनल सिस्टम का दौर है, मैं उस इंटरनेशनल सिस्टम को शॉर्ट में SI लिखाया था, तो SI लिखाने का कारण था सिस्टम पहले आता है इंटरनेशनल, बाद में आता है फ्रेंच लैंग्वेज में, वहाँ सिस्टम ही डी इंटरनेशनल ही करके एक इस तरह का लिखाए थे इंटरनेशनल सिस्टम की जगह, तो फ्रेंच लैंग्वेज से SI आया हुआ है। तो इस तरह की बात को जानकारी, ये तो सिर्फ जानकारी के लिए है, ये आगे के एग्जामिनेशन सब में बहुत ज़्यादा इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, जानकारी होनी चाहिए, साइंस पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। मैं कन्वर्शन लिखाने के बाद आपको ले चलता हूँ, यहाँ मेजरमेंट की बात करनी है, मास को कैसे मेजर किया जाएगा, लेंथ को, टाइम को, बहुत छोटे लेंथ को कैसे, बहुत बड़े लेंथ को कैसे, सबको थोड़ा थोड़ा हर लेक्चर में मैं बताने का कोशिश करूँगा, एक साथ नहीं, वो तो फिर इंटरेस्ट नहीं आपको उतना होगा। और जब उसको पढ़ाएंगे तो NCERT की बुक आपके सामने होनी चाहिए, है ना, साथ साथ इधर भी वीडियो भी देखें और उस NCERT के बुक से भी आप पढ़ें, और तब जाके आपको बात समझ में आएगी, कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा उस मेजरमेंट वाली बात का। तो हम लोग अभी कन्वर्शन बताने जा रहे हैं थोड़ा सा, और उसके बाद तब डायमेंशन की बात करेंगे, या सिंपली कन्वर्शन। मास के लिए लिखा जाए 1 pound 453.6 gram 0.4536 kg। पौंड का सिंबल LV लिखते हो बच्चों, एक तरह से लिब्रा से आया है, मैं फुट पौंड सेकंड सिस्टम बोल रहा था तो पौंड के लिए LV लिखा था, तो 1 LV बराबर 453.6 gram और 0.4536 kg। और 1 slug, अरे अपने लोग के गांव घर में क्या है यार, ये अरहिया बोल देते हैं, पसेरी बोलते हैं, 1 pasheri 5 kg 1 arahiya, बहुत बच्चे को तो आप टाउनशिप में बच्चे को पता भी नहीं रहता है कि अरहिया पसेरी है ना, तो अरहिया मीन्स 2.5 kg तो वो कन्वर्सन है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है इसलिए पता नहीं है, हम लोग मिथिलांचल में इस तरह की बात का यूज कर लेते हैं, लेकिन तो उसी तरह कहीं चलता होगा स्लग इज द यूनिट ऑफ मास। ये छोटा सा ऑब्जेक्टिव हो गया, किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में या बोर्ड के लेवल में भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि स्लग किसकी इकाई है, स्लग इज द यूनिट ऑफ, चार ऑप्शन दिया रहेगा तो मास लिखेंगे। 1 slug बराबर 14.59 kg 14.6 kg बोलेंगे 1 slug, बड़ी इकाई हो गई इसके। और लार्ज इकाई सब की बात करें तो 1 quintal वन टन बोलते हो बच्चों, 1000 kg 10 quintal के बराबर। CSL बोलते हैं, 1 chandrasekhar limit 1.4 × mass ऑफ द सन बोलने के क्रम में बोला जाता है कि लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मास। CSL 1.4 × mass ऑफ द सन, मास ऑफ द सन 2 × 10^30 kg। अभी सब मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ मून, अब किताबों में चार्ट बना के सारे चीज़ लिखाना पॉसिबल नहीं है, उसको आपको खुद भी क्या करना पड़ेगा, लिख लिख कर याद करना पड़ेगा। तो 2.8 × 10^30 kg को हम लोग 1 chandrasekhar लिमिट बोलते हैं। तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास होंगे, डिफरेंट यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ मास। उसी तरह लेंथ की बात करें, है ना,
तो लेंथ के लिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर, 1 फिट, फुट भी बोलते हैं, 12 इंच। अपने लोग के यहाँ जो लकड़ी मिस्त्री होते हैं, बिजली मिस्त्री, ये सब जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की बात करता है तो उसको अपना मार्क करता है फीट के लिए इस तरह, या मिनट के लिए भी लिखे थे एंगल वाले केस में, लेकिन यहाँ पर यह 1 फिट 12 इंच इस तरह की बात लिखी जाती है सिंबॉलिक। तो 1 फिट बराबर 12 इंच, और इसी को हम लोग इससे गुना कर दें तो 30.48 सेंटीमीटर, 0.3048 मीटर। सवालों में आगे इसी में जब डायमेंशन के आधार पर सवाल बनाएंगे तो इस तरह का कन्वर्सन जिस बच्चे को याद रहेगा बहुत फ़ायदा करेगा। यह फिट और 1 यार्ड, यही है गज। मोदी जी का 2 गज का दूरी वाला फार्मूला था, पकड़ा था कि 2 गज की दूरी अभी है ज़रूरी, तो वही है। मतलब सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, चाहे मोदी जी क्या पूरा वर्ल्ड कर रहा है इस बात का कि इस कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 2 गज की दूरी ज़रूरी है, तो गज वही यार्ड कहलाता है। और 1 यार्ड बराबर 3 फीट बोलते हैं, और इसको गुना कर दो तो 3 से मल्टीप्लाइड कर दो, सेंटीमीटर, और इसी को मीटर में बदले तो 0.9144 मीटर बोलते हैं। यह कर लेना है अपने से, तो 1 गज 3 फीट के बराबर होगा। 1 माइल, जिसको गांव घर की भाषा में कोस बोलते हैं हम लोग, वो ये बात छोड़ दो, माइल को ही याद रखो, 1760 यार्ड, 8 बाई 5 किलोमीटर, 1 पॉइंट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू सब है ही सब, 1.6 किलोमीटर। तो 1 माइल बराबर 1 पॉइंट। अब इससे बड़ी इकाई सब की बात करते हैं, और भी कन्वर्शन की बात करते हैं। पहले इतना को राइट डाउन करो, तब हम और बताते हैं। मीटर या मास के लिए लिख दिए, यहाँ थोड़ी सी बात है ना, 100 kg 10 क्विंटल, यहाँ 1000 में बोला था, यहाँ 10,000 लिखा गया यार, 1000 kg 1 टन, और इतना और भी, 1 amu 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1.6606 × 10⁻²⁷ kg, जिसको हम लोग 1.67 लिख सकते हैं, 1.67 ही लिखा जाए, × 10⁻²⁷ kg। मैं पिछली क्लास में E बराबर mc स्क्वायर बोला एक जगह, और बोला क्या आपको पता है मास का, मास इनर्जी रिलेशन है आइंस्टीन का, तो E बराबर mc स्क्वायर। तो इतना मास अगर इनर्जी में कन्वर्ट होता है जब न्यूक्लिया ये सब की बात करेंगे तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यह इतना एनर्जी देगा। एम सी स्क्वायर बराबर इतना होगा, जितना एम क्या होगा तो 1 amu, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे भाई, सी स्क्वायर बोल देंगे, एम ई भी चाहे पूरे में सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर 931.5 / c² mev / c², ऐसे बोला जाए। तो ये सब कन्वर्सन यूनिट बदल बदल के है ना, 1 कैरेट 200 मिलीग्राम को 1 कैरेट, और कैरेट इज द यूनिट ऑफ, मतलब कैरेट जो है सो है गोल्ड की प्यूरिटी के लिए होता है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड को के लिए लिखा जाता है, लेकिन यहाँ मास के लिए कैरेट लिखा गया है, 1 कैरेट बराबर 200 मिलीग्राम। तो इस तरह की बात को आपको कंप्लीट करना है, रटना है। चलिए लेंथ पर आ जाए, मतलब और भी कोई जरूरी नहीं लेंथ और डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स बोले, लेंथ तो मैं बताया थोड़ा सा वहाँ, अब लार्ज यूनिट लेंथ का भी बोला जाए। 1 एक्सरे यूनिट, 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं बच्चों, 10⁻⁻⁶ मीटर, या
साइज ऑफ एटम को व्यक्त करने के लिए होता है। साइज ऑफ एटम, एटॉमिक डिस्टेंस को मेजर करते हैं किस में, एंगस्ट्रम में, और वन फॉर्मी बोलते हैं। टेन का पावर माइनस 15 मीटर वन फॉर्मी। साइज ऑफ न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस के साइज को हम लोग फॉर्मी में एक्सप्रेस करते हैं, तो यह फॉर्मी बोलते हैं। पहले इसको लिख ले तो, और मैं बताता हूँ। साइज ऑफ एटम बाय साइज ऑफ न्यूक्लियस का ऑर्डर क्या होगा, यह 10 का पावर माइनस 10 मीटर है, यह 10 का पावर माइनस 15 मीटर, कट कैंसिल करें तो 10 का 5, 10 टू द पावर 5, तो साइज एटम जो है इतना टाइम्स, एटम भी बहुत छोटा, न्यूक्लियस तो और उससे बहुत छोटा, लेकिन इस दोनों का कंपेयर करें तो एटम इतना टाइम्स ज़्यादा होगा किससे। इसी तरह वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, तो 4 बाई एटम और न्यूक्लियस को स्फेरिकल शेप मान लिया जाता है, और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, तो उस हिसाब से भी निकालेंगे तो उसका वॉल्यूम का ऑर्डर होगा, वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10^15 बोला जाएगा। इतनी बात को करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक्सरे यूनिट 10^-13 मीटर, यह फॉर्मी लिखे, आगे चल के फेमटोमीटर बताएंगे। एंगस्ट्रम है, इसको एंगस्ट्रम को इस तरह से लिखा जाता है, 1 एंगस्ट्रम 10^-13 मीटर, 1 माइक्रोन, और 1 μm, 1 μm, माइक्रो सफिक्स होगा, मिली सफिक्स होगा, है ना, नैनो, ये सब हम लिखाते हैं सब प्रीफिक्स, और ये सब 1 μm बराबर 10^-6 मीटर। ये छोटी छोटी इकाई के बारे में लिखा गया। अब थोड़ी बड़ी इकाई की बात करें तो 1 light year डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन वैक्यूम इन 1 year इज कॉल्ड 1 light year। इसका वैल्यू वो कैलकुलेट करके निकाला जा सकता है, जो हम वेलोसिटी ऑफ लाइट बोले और ड्यूरेशन ऑफ टाइम, 1 year हो गया 365 days को लिखते, तो 1 light year बराबर 9.46 × 10^15 मीटर, 12 km बोल सकते हो मीटर, 1 light year। 1 parsec बोलते हैं बच्चों, पैरालैटिक सेकंड बोलते हैं, पैरालैटिक सेकंड, नाम से लगता है ईयर है, टाइम है, नो, इट इज़ यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेंथ, पार्सेक यूनिट ऑफ डिस्टेंस। 1 parsec बराबर 3.26 light year, इट मीन्स लाइट ईयर से बड़ी इकाई है पैरालैटिक सेकंड, पार्सेक बोलते हैं, 9.01, इसको हम लोग क्या करें लाइट ईयर को, है ना, इसको मल्टीप्लाइड कर दें, 3.01 × 10^16 मीटर, वो कन्वर्ट कर लोगे भाई 3.26 और 9.46 को मल्टीप्लाइड करके, पैरालैटिक सेकंड बोलते हैं। 1 AU बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1.496 × 10^11 मीटर, 1.5 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10^11 मीटर। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसको बोलते हो बाबू, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड 1 astronomical unit। डिफिनेशन सब भी लिखना है, देखते रहना है। तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ के बारे में, लार्ज यूनिट है ये, स्मॉलर यूनिट था, और प्रैक्टिकल हम लोग का जो ऐसा यूनिट है वो तो मीटर ही है, किलोमीटर बोल दे वो करे, तो ये लेंथ के लिए लिखे। अब टाइम के लिए लिखते हैं, उसके बाद 2-4-5 अलग अलग यूनिट्स, कुछ कुछ एक्स्ट्रा बात सिखाते हैं।
प्लैनेट बोला जाए तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU बोलोगे। इससे क्या पता चला बच्चों, लाइट ईयर 10^15 मीटर, 1 पारसेक यहाँ पर आया 3.  थोड़ा इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे यार, 3.1 × 10^16 मीटर, 10^16 हो गया, 10^15 है और इसमें 10^11 है, तो क्या लिखाएगा कि 1 पारसेक इज ग्रेटर देन 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 AU। तो ये सब छोटा छोटा उल्टा लिखेंगे, है नहीं है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में भी बनाया जा सकता है, जो जैसे है सब कर लेंगे। तो ये डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ की बात कर ली, ये कन्वर्सन है यार, इसको जितना आप अपने बुक से कहीं से कलेक्ट करके याद रखोगे क्वेश्चन बनता जाएगा। आपसे छोटा क्वेश्चन में बोल रहा था स्लग इज द यूनिट ऑफ, अब ये रटा हुआ रहेगा तभी तो आप लिख पाओगे, या पहले से मेमोरी में रहेगा तो देखोगे कि हाँ मास के लिए सर बोले थे तो मास की बात कर दोगे, टिक लगा दोगे। पारसेक इज द यूनिट ऑफ पैरालैटिक सेकंड, ये लाइट ईयर वाला तो क्लासिकल पैटर्न का क्वेश्चन है भाई, है ना, छोटे से छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लेकर बड़े से बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, तो डिस्टेंस लेंथ लिखा जाता है, लगता है कि टाइम है लेकिन है एक्चुअली वह लेंथ। अब सेकंड सिक्सटी सेकेंड, 1 hour 60 minute, 3600 seconds, 1 day 24 hour, और इसको मल्टीप्लाइड करके 86,400 seconds बोलेंगे, 8.64 × 10^4 seconds बोला जाता है। इस तरह से 1 year 365.24 days, किसी में 25 लिखा रहेगा, कुछ लिखा रहेगा। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, सेकंड में, इसका वैल्यू लगभग में जो लिखा जाता है π × 10^7 seconds और 1 century 100 years, इस तरह की बात 1 micro century बोलेंगे, 10^100 × 10^-6 ईयर, और इसी को 10^-4 ईयर, इसको भी हम लोग किस में ले जा सकते हैं, सेकंड में ले जा सकते हैं, और 1 minute 1.9 × 10^-2 माइक्रो सेंचुरी। सवाल में आएगा फिर बताएंगे, एससी वर्मा का सवाल एक कि गर है ना कि इंडियन कॉलेजेस में 100 मिनट का पीरियड होता है प्रैक्टिकल का, 2 पीरियड मिलाकर, 1 पीरियड 50 मिनट और 2 पीरियड 100 मिनट, तो 100 मिनट को माइक्रो सेंचुरी में कन्वर्ट करो, तो यह 100 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 100 मिनट बराबर 1.9 micro century। तो इस तरह का कन्वर्शन वाला सवाल होगा। 1 barn बोलते हैं, अब अलग यूनिट पर 2-4 लिखाते हैं और ढेर करना है अभी, अभी कुछ इस लेक्चर के लिए हुआ, फिर आगे फिर जोड़ते चले जाएंगे बहुत सारा इसमें। 1 barn = 10^-28 m² एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस को व्यक्त करते हो, एक्सप्रेस करते हैं किस में, बार्न में, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ न्यूक्लियस, एरिया बार्न इज द यूनिट ऑफ एरिया स्टार, पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल इंजीनियरिंग सबका, बस इतना ही, बार्न इज द यूनिट ऑफ, कभी कन्वर्सन पूछ देगा 1 barn = how much, तो बार्न इज द यूनिट ऑफ
एरिया। टर बोलते हैं वन टर, प्रेशर ऑफ वन मिलीमीटर ऑफ एच जी स्केल, एच जी बोले तो मरकरी, एच जी स्केल। तो टर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, टर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। इस लेक्चर में इतना ही कन्वर्सन की बात करने चले, अभी अगले लेक्चर में और कुछ टिपिकल बात लिखाएंगे, लेकिन मैं आगे ले जा रहा हूँ इस कन्वर्सन को। एक ही बार में सबको लिखने पर भी आपको दिक्कत होगा समझ, तो अभी इंटरेस्ट पैदा करना है, थोड़ा थोड़ा बात करना है, जब सवालों में आएगा तब लगेगा कि इस कन्वर्सन का क्या हम लोग का यूटिलाइजेशन है। तो हम अब एक नए चीज़ में ले चल रहे हैं जो आप टेंथ के नीचे नहीं पढ़ के आए हैं। टेंथ के नीचे यूनिट पढ़ के आए हैं, फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ ड्राइव्ड क्वान्टिटीज़ पढ़ के आए हैं नाइन्थ में, और अब जो हम लोग बात करने चले हैं वो एक नया तरीका है फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का, जिसको डायमेंशनल फार्मूला के नाम से जाना जाएगा, सिंपली डायमेंशन के नाम से जाना जाएगा। मैं ले चल रहा हूँ उस पर, डायमेंशन पर, अब वहाँ से समझने की बात होगी। अभी बीच बीच में मैं बोला मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम, हर लेक्चर में एक एक किसी किसी टॉपिक को मैं उस क्लासिकल तरह के चीज़ों को समझाने का कोशिश करूँगा, लेकिन अभी मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ डायमेंशन पर। डायमेंशन पर आने चले बच्चों, ऊपर में टाइम का यूनिट सब बता रहे थे, उसमें एक जोर देना तुम लोग, मेरे को दिमाग में आया थोड़ा लेट, सैक, एस एच ए की, एस एच ए के ई सैक, 10^-8 सेकेंड। तो sec इज द यूनिट ऑफ टाइम, sec इज द यूनिट ऑफ, बोलते बच्चों। एक तो डायमेंशन बोलचाल में है, अब कोई मोटा आदमी हो कोई पतला आदमी हो तो मोटे आदमी को बोलेंगे कि मोटे आदमी का डायमेंशन क्या है, या जिसका डायमेंशन ज़्यादा है, कोई कमरा छोटा है कोई कमरा बड़ा है तो बड़े कमरे वाले को बोलेंगे कि इस कमरे का डायमेंशन क्या है ज़्यादा है। गांव की तुलना में दरभंगा शहर का डायमेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। दिल्ली की तुलना में दरभंगा का डायमेंशन कम बोला जाएगा। तो डायमेंशन किसी भी फील्ड में बोला जा सकता है, लेकिन यहाँ जो डायमेंशन है वो मैथमेटिकल फार्मूला के द्वारा हम लोग देखने जा रहे हैं, फार्मूला प्रोवाइड करने जा रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक पहचान होना चाहिए, हर क्वांटिटी के लिए एक पहचान होता है। अब किसी का नाम रमेश है, किसी का नाम अभिषेक है, किसी का नाम कुछ है, तो सब एक पहचान है, लेकिन देर आर सो मेनी अभिषेक, देर आर सो मेनी रमेश, देर आर सो मेनी रहीम इन आवर सोसाइटी। तो वहाँ पर डिस्टिंग्विश, मतलब उसका अलग पहचान बनाने के लिए फादर्स नेम है ना, कहाँ घर है, किस मोहल्ले में घर है। तो एक आधार कार्ड हम लोग को मिलता है जो एक इंडियन के लिए क्या है, एक ही आधार नंबर होगा जिससे उसकी आइडेंटिटी का पता चल जाता है। तो उसी तरह फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका मिल रहा है कि कौन, तो डायमेंशनल फार्मूला बोलते हैं। पहले डायमेंशन की बात को समझें कि हम लोग कैसे डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे। सो तो डायमेंशन है एक्चुअली क्या, टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी, द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड बाय सम पावर। दैट पावर इज कॉल्ड इट्स डायमेंशन। इट्स किसके लिए, तो फिजिकल क्वांटिटी के लिए, इट्स डायमेंशन। तो टू रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज को, तो आपने लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज साथ लिखे, लेकिन हम लोग डायमेंशन फार्मूला लिखने के लिए मोस्टली केसेस में, अभी 11th के केसेस में तीन लेटर से काम करेंगे मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो चौथा लेटर आएगा टेम्परेचर के लिए, लेकिन ऑन दी होल हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए, डायमेंशन के लिखने के लिए पांच फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और उस पांचों क्वांटिटी को हम लोग किसी खास खास लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे क्या करते हैं सो देख लो।
तो भैया पांच क्वांटिटी है कौन डायमेंशन लिखने के लिए, मास। मास के लिए सिंबल एम, और इसी को लिखने का तरीका होगा एम एल जीरो टी जीरो, बॉक्स में ब्रैकेट में लिखा जा सकता है, कुछ नहीं सिर्फ मास के लिए एम लिखना है। लेंथ के लिए एल, अब लेंथ हो ब्रेथ हो हाइट हो डेप्थ हो सब के लिए क्या लिखना है, एल लिखना है। रेडियस हो तो एल, जिसको लेंथ के स्केल पर मापा जाएगा उसको एल से रिप्रेजेंट करने का तरीका मिलेगा, किस में तो डायमेंशन में। मास किसी का हो, मेरा हो तुम्हारा हो, चींटी का मास हो हाथी का मास हो पहाड़ का मास हो सन का मास हो मून का मास हो, है ना, तो वो सारे मास के लिए एम ही सिंबल का इस्तेमाल करना है, एम ही लेटर का इस्तेमाल करना है। तो लेंथ के लिए एल एम जीरो एल टी जीरो, टाइम के लिए टी एम जीरो एल जीरो टी, टाइम मिनट में हो सेकंड में हो, सेक लिखाए हैं वन सेक लिखा हुआ है तो सेक, तो सेक के लिए भी टी लिखना है सिंबल फॉर डायमेंशन के फॉर्मूला में, तो टाइम के लिए टी लिखना है तो एम एल टी हो गया। किसके लिए, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी ही लेटर का इस्तेमाल करेंगे। अब करंट लिखा है तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए और आई लेटर लिखा जाएगा। मैं बोला था कि मैं किससे लिखूंगा, तो मैं किससे ज़्यादा लिखूंगा, ए से लिखूंगा। मेरा नाम है आदर्श, तो ये लेटर हम कहते हैं कि मेरा वाला है, ऐसा है नहीं भाई, वो एम्पियर से लेकर आए हैं, है ना। लेकिन टेम्परेचर के लिए के और थीटा की बात करेंगे हम, के फिर आदर्श कुमार, हम अपने नाम की ही चर्चा कर दें तो ए और के दो लेटर है, करंट के लिए ए और टेम्परेचर के लिए। तो डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए मेरे बच्चों पांच लेटर का जरूरत पड़ेगा। हम लोग इंग्लिश के किसी वर्ड को, किसी सेंटेंस को, प्रोज पोइट्री पूरी मोटी किताब लिख देंगे इंग्लिश लिटरेचर में 26 लेटर की सहायता से, लेकिन अपने फिजिक्स में डायमेंशन लिखने के लिए जिस स्टैंडर्ड में चले जाएं, हायर स्टैंडर्ड में, उसके लिए पांच ही लेटर से काम करना है। एम एल टी ए के, जहाँ 26 लेटर था वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होता, पांच लेटर में तो और कम कन्फ्यूजन होगा। तो आसान है यार, कई लेटर से लिखना है डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी और ए के से, तो पांच लेटर का इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे डायमेंशन लिखा जाएगा, मैं डायमेंशनल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले पावर इंडिसेज एक्सपोनेंट की बात सिखाने जा रहे हैं, है ना, जिसको हिंदी मीडियम में बच्चे घात और घातांक पढ़ के आए होंगे टेंथ में, तो उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर ले तब डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखाते हैं। तो इतनी बात, आगे पावर एक्सपोनेंट इंडिसेस बोलने जा रहे हैं। छह फॉर्मूला मैं बताऊंगा बेसिक, जो लोअर क्लासेस में आप लोग सारा, तो लोअर क्लासेस से ही निकल कर कुछ कुछ आने वाला है। तो एक्स टू द पावर एम, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एम प्लस एन, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगा, बेस सेम है तो। दूसरा एक्स टू द पावर एम, एक्स टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एम माइनस एन, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, बेस समान होना चाहिए। थर्ड एक्स टू द पावर प्लस माइनस एम, अब इसको नीचे ले जाएंगे तो माइनस प्लस एम, मेरी भाषा है, ऊपर नीचे ले जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होता है, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है, सब लिखते रहेगा, जो बच्चा रहता है वो अपने खुद लिख कुछ कुछ जो बोलते हैं उसको आप अपने इसके साथ राइट डाउन करते रहेंगे। और ऊपर नीचे जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाता है मेरा बच्चा। और एक्स टू द पावर एम होल टू द पावर एन, एक्स टू द पावर एम एन बोलेंगे, पावर का पावर मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और फिफ्थ बोलेंगे बच्चों एक्स टू द पावर जीरो बराबर वन, एक्सेप्ट एक्स बराबर जीरो, जीरो टू द पावर जीरो का कोई डिफिनेशन नहीं होगा, अनडिफाइंड अनडिफाइंड बोलेंगे, लेकिन किसी भी लेटर का पावर जीरो हो, किसी भी नंबर का पावर जीरो हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, वन, सिर्फ जीरो को छोड़ के। जीरो टू द पावर जीरो बराबर अनडिफाइंड, मतलब इज अनडिफाइंड। सिक्स बोलें
एक का पावर वन का पावर लाख हो, करोड़ हो, प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन हो, जो भी हो, उसका वैल्यू क्या होगा? वन होगा। तो ये छह फार्मूला पर हम लोग काम करने जा रहे हैं डायमेंशन में। मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होगा, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर नीचे जाने पर पावर का साइन रिवर्स कर जाएगा, चेंज हो जाएगा प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, और पावर का पावर मल्टीप्लाइड होगा, और किसी चीज़ का पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू वन होगा, और एक का पावर भी कुछ भी होगा, लाख करोड़ प्लस माइनस जो भी होगा, उसका वैल्यू वन होगा। मेरा बच्चा, तो हम लोग को बोलना है एक्स टू द पावर टू और एक्स टू द पावर फोर, एक्स टू द पावर सिक्स, x टू द पावर माइनस टू, x टू द पावर माइनस फोर, x टू द पावर माइनस सिक्स। मल्टीप्लीकेशन है, पावर ऐड हो जाएगा, टू प्लस फोर सिक्स, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, x टू द पावर माइनस टू और x टू द पावर फोर, x टू द पावर टू या माइनस टू प्लस फोर टू, x टू द पावर टू, x टू द पावर माइनस फोर, x टू द पावर माइनस टू, वन बाई एक्स क्यू, एक्स का पावर माइनस थ्री हो जाएगा, वन बाई एक्स, तो एक्स इनवर्स जो भी है जिस तरह है वो लिखना है, एक्स टू द पावर माइनस टू होल का पावर माइनस थ्री, एक्स का पावर सिक्स, एक वन टू द पावर फिफ्टीन तो वन, तो इस तरह से आप बोलो, टेन टू द पावर जीरो तो वन, तो किसी भी पावर, एम का पावर जीरो तो वन, एल का पावर जीरो तो वन, टी का पावर जीरो तो वन, तो इस तरह का चीज़ आना चाहिए, पावर एक्सपोनेंट इंडिसेस जिसको बोलते हैं, वो आपको आना चाहिए। आता है सारे बच्चे को, तभी आप टेंथ करके, टेंथ का परीक्षा देकर एलेवेंथ में की पढ़ाई शुरुआत की हो, तो इस तरह का चीज़ आए। अब डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाएगा फिजिक्स में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एम एल टी के डिफरेंट पावर में एक्सप्रेस करने पर जो फार्मूला आएगा उसको डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। अब उस डायमेंशनल फार्मूला को राइट डाउन करना है कि डिफरेंट क्वांटिटीज़ का डायमेंशन फार्मूला कैसे लिखा जाए। बस पांच लेटर आना चाहिए, ये आना चाहिए, और टेंथ से नीचे जो फार्मूला सब पढ़े हुए हैं वो आना चाहिए, तो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला ईजी वे में लिख सकते हैं। और नया नया डायमेंशन मैं तो आपको कोशिश करूँगा कि पूरे फिजिक्स का डायमेंशन अभी से हम लोग कुछ याद कर करके फार्मूला को, डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख जाएँ, तो हम लोग का एक आधार होगा। लेकिन ये भी एक तरीका है कि डायमेंशनल फार्मूला बाद में लिखना सीखना चाहिए, कि सारा फार्मूला पढ़ लेंगे तब लिखेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कुछ चीज़ को टेंथ के आधार से, टेंथ के नीचे के आधार से, और कुछ मैं ट्रिक बता दूंगा फार्मूला सबका याद करने का, तो हम लोग मोस्टली बहुत सारे क्वान्टिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला लिखना सीख जाएंगे। तो देखो भैया, डायमेंशनल फार्मूला लिखना सिखा रहे हैं डिफरेंट फिजिकल क्वान्टिटीज़ का। Dimensional formula of different physical quantity. छोटा छोटा से शुरू करते चले जाएंगे। तो पहला लिखा है एरिया, मैं पहले भी बोला था एरिया टास्क है, डिफरेंट शेप वाले बॉडी का एरिया आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो तुम सबसे आसान, एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड स्क्वायर, साइड बोले तो लेंथ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कोई डायमेंशन नहीं, आर स्क्वायर बोले तो लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर, रेडियस को एल से लिखेंगे डायमेंशन में, पाँच मीटर के लिए भी एल और पचास मीटर के लिए भी एल और पाँच सौ मीटर के लिए भी एल और लाइट ईयर के लिए भी एल, छोटी इकाई बोले, एक्सरे यूनिट बोले टेन का पावर माइनस थर्टीन मीटर, जहाँ एक्सरे के लिए डायमेंशन लिखना हो तो एल लिखाएगा, यूनिट होगा एक्सरे, है ना, तो इस तरह से बोलेंगे एरिया, एल इंटू एल, एल स्क्वायर, इसको क्या बोलोगे, एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, एरिया का डायमेंशन मास में तो जीरो बोला जाएगा, लेंथ में टू और टाइम में जीरो, हमारा काम तो इतना से चल जाएगा कि एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, जहाँ भी है तो आपका टास्क है एरिया, एरिया एल स्क्वायर से बहुत ज़्यादा उतना तो आ रहा है आपको, सबको आ गया, सीख गए, पहले से आता है, लेकिन हमको एरिया का फॉर्मूला सब का चार्ट बना के याद रखना है, जो आगे के सवालों में डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे, तो वो एरिया आपका टास्क हुआ। दूसरा है वॉल्यूम, अब इस कमरे का आयतन बोला जाए, क्लासरूम का आयतन,
तो मास सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट LBH, एरिया ऑफ अथी वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोला जाए तो साइड क्यूब, तो लेंथ क्यूब बोला जाएगा LQ, लेकिन हम लोग लेंथ L इंटू L LQ बोला जाएगा, M0 LQ T0। डेंसिटी बोलते हैं बच्चों, डेंसिटी इसको मास डेंसिटी बोला जाता है बच्चों, लेकिन जैसे सिंपली डेंसिटी बोले तब भी हम लोग मास बाय वॉल्यूम। बताओ बच्चों, मास के लिए m, वॉल्यूम के लिए LQ, ऊपर ले जाओ ML-3, बहुत मन लावे तो इसको ML-3 T0 लिखा जा सकता है, लेकिन हम लोग का काम इससे चल जाएगा कि डेंसिटी का डायमेंशन है ML-3। आगे चल के मैं इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, यूजेज बताऊंगा। मास के लिए SI में kg, लेंथ के लिए मीटर, kg पर मीटर क्यूब, kg इंटू मीटर का पावर -3, डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा इस। CGS में बोलेंगे तो मास के लिए ग्राम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, तो ग्राम पर cc बोलते हैं, cc क्यूबिक सेंटीमीटर बोला जाता है। तो इस तरह का फॉर्मूला देखो, स्पीड वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी डायमेंशनली दोनों सेम होगा, आगे चलेंगे तो दोनों में चेंज नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ है, या स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी होगा। इसको डिस्टेंस बाय टाइम बोलेंगे, इसको डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम बोलेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टू डिफरेंट थिंग्स होगा, लेकिन डायमेंशनली और यूनिट के आधार पर या डायमेंशन के आधार पर वो दोनों सेम होगा, लेंथ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग डिस्टेंस बाय टाइम, लेंथ बाय टाइम लिख दें, डिस्टेंस के लिए भी लेंथ, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी लेंथ और टाइम। लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, इसमें नहीं कुछ तो क्या पावर है भाई, 1, ऊपर ले जाओगे तो -1 होगा, LT इनवर्स बोलोगे। अरे इसको लिखोगे M0 LT माइनस, कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग इतना ही से काम चले आएंगे, इतना से काम चलेगा हम लोग का, इससे काम चलेगा, इससे काम चलेगा, है ना। तो स्पीड और वेलोसिटी, उसी तरह नया नया टर्म जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको ना आता है वो अभी से इस सब का स्पेलिंग, जो मोस्टली बिहार बोर्ड से अगर हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं कुछ बच्चे तो उसको दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत को दूर करना आपका ड्यूटी है। अब देखते चलो, एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, टाइम टेकन बोलते हैं, टाइम लिख दिया। चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिखोगे बच्चों, वेलोसिटी बाय टाइम, बड़ा काम का चीज़ है यहाँ समझना। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी बराबर वेलोसिटी, ये डायमेंशन में लिखा जाएगा। फोर्स माइनस फोर्स बराबर फोर्स, फोर्स प्लस फोर्स बराबर फोर्स, फोर्स इज एडेड विथ फोर्स एंड गिव्स फोर्स, फोर्स इज सब्ट्रैक्टेड विथ फोर्स एंड रिजल्ट विल बी फोर्स। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बराबर डायमेंशन वाला चीज़ को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, जोड़ और घटा सकते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो चेंज इन वेलोसिटी को सिंपली क्या लिखा जाएगा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को क्या है, LT-1 और टाइम के लिए टी ऊपर जाएगा, -1 हो जाएगा, फिर क्या, तो -1 -1 -2 LT-2 बोला जाएगा। इसको और लिखा जाए तो M0 LT-2। तो डायमेंशन लिखना सीखो भाई थोड़ा थोड़ा, तो पांच बेसिक या जो छोटा छोटा डायमेंशन बोला, अब आज के बाद बोला जाए तो एरिया वाला, एरिया का डायमेंशन L2, वॉल्यूम का डायमेंशन L3, डेंसिटी का डायमेंशन ML-3, मास बाई वॉल्यूम से दिमाग में करोगे डायरेक्ट लिखना है, और स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2। अब इससे आगे बढ़ते चले जाएं, देखिए सब बगल में ही मैं लिख देता हूँ, है ना। फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या लिखना है बच्चों, m, एक्सेलरेशन के लिए LT-2 अभी जस्ट, तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, फोर्स के लिए F लेटर लिख दिया, लेकिन उसका डायमेंशन क्या होगा, MLT-2 बोलना सीखो। फोर्स का डायमेंशन मास में
वन, इसका पावर वन है, पावर को ही डायमेंशन बोलना है। तो मास में वन, लेंथ में वन, टाइम में माइनस टू, तो फोर्स का आ गया। अब इस फोर्स से हम लोग ढेर सारा आगे निकालते चले जाएंगे। मोमेंटम बोले फार्मूला से मतलब है, व्हाट इज मोमेंटम, वो आगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ के भी आए हो, है ना। लेकिन मोमेंटम का फार्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। मास के लिए m, वेलोसिटी के लिए lt माइनस वन, तो मोमेंटम का डायमेंशन mlt माइनस वन। या जो मोमेंटम है इसी तरह से एक नया टर्म लिखने जा रहे हैं, इम्पल्स आवेग बोलते हैं हिंदी में। बहुत बड़ा फोर्स छोटे टाइम तक लगे, बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम पर, तो उस फोर्स को इम्पल्सिव फोर्स कहा जाएगा, और फोर्स इनटू टाइम इंटरवल को इम्पल्स बोला जाएगा। तो समान भाषा में इम्पल्स बराबर फोर्स इनटू टाइम, फोर्स का डायमेंशन। इस तरह एरो देने का मतलब मोमेंटम एंड इम्पल्स आर डायमेंशनली सेम, दोनों का डायमेंशन समान है। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू बोलते रहोगे अपने मन में भी, तो बार बार बोलने से याद हो जाएगा, वो याद करने का चीज़ नहीं है लेकिन प्रैक्टिस से याद रहना चाहिए। और टाइम का टी, ये माइनस टू और प्लस वन, माइनस वन होगा, एम एल टी माइनस वन। क्या देखे, इसका भी डायमेंशन सॉरी मोमेंटम का भी डायमेंशन एम एल टी माइनस वन, इम्पल्स का भी डायमेंशन एम एल टी माइनस वन। दो चार और लिखा देते हैं और क्लास लेक्चर को रोकते हैं, फिर से पिछले सारे चीज़ को रिवाइज करते हुए आगे बढ़ोगे। ये एक नया तरीका सीखे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर, सीख लेने के बाद बड़ा मज़ा आएगा यार। किसी भी क्वांटिटी को आप फार्मूला अगर मिल जाए तो हम लोग डायमेंशन लिख ही डालेंगे। देखो भाई आगे देखते चलिए, इसको पूरा मिटा लें हम लोग, लिखने लिखें पॉज कर लें। मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होगा, डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होगा, पावर का पावर गुना हो जाएगा, ऊपर नीचे जाने पर पावर का साइन चेंज हो जाएगा। किसी चीज़ का पावर जीरो होगा तो उसका वैल्यू वन होगा, एक का पावर कुछ भी हो, लाख करोड़ प्लस माइनस सब का वैल्यू वन होगा। इतना ही बात पर हम लोग डायमेंशन, डायमेंशन लिखने के लिए पाँच लेटर का जरूरत पड़ेगा। मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी, करंट के लिए ए या आई, टेम्परेचर के लिए के और थीटा। मैं बोलूँगा करंट के लिए ए लिखूँगा, टेम्परेचर के लिए के लिखूँगा। वर्क, एनर्जी, टॉर्क, ये डिफरेंट क्वांटिटीज सब है, अलग अलग चैप्टर पढ़ना। वर्क, एनर्जी, पावर अलग, रोटेशनल में रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे, उसमें टर्क पढ़ाया जाएगा, लेकिन डायमेंशन लिखने आना चाहिए। इस तरह से देने का मतलब सबका डायमेंशन आपस में क्या होना चाहिए, सबका डायमेंशन बराबर होगा। ऑल आर दीज आर दिस थ्री आर डायमेंशनली सेम। तो वर्क क्या बोलोगे, तुम लोग पढ़ के आए हो वर्क के लिए फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट। इनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, भैया उससे भी निकल जाएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब किसी डायरेक्शन का डिस्टेंस हो, डायमेंशन तो एल होगा, उसको डायरेक्शन डायरेक्शन से डायमेंशन को मतलब नहीं है। तो हम लोग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के लिए डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, बार बार लिखना है फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू। और डिस्प्लेसमेंट लेंथ एल क्या होगा, एम एल टू टी माइनस टू, यह निकल गया। वर्क, एनर्जी, टर्क तीनों का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस, यूनिट लिखा जाए इसके आधार पर। इसके आधार पर तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर न्यूटन मीटर, टर्क के लिए लिखते हैं। इसके लिए स्पेशल यूनिट जूल लिखा जाएगा, ऐसा यूनिट बोलेंगे। वर्क और एनर्जी का यूनिट जूल, तो वो देखते हैं आगे, यूनिट भी आना है, लिख रहे हैं। पावर आप पढ़े हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। डिफिनीशन ये सब अभी नहीं, आगे का चीज़ है, लेकिन जहाँ जानकारी है उसको थोड़ा सा रिपीट कर लो। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, पावर बराबर वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बोले तो वर्क, जहाँ वर्क बोलेंगे वहाँ डन वर्ड छुपा हुआ रहता है फिजिक्स में, तो वर्क डन बाय टाइम। वर्क का डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, और टाइम के लिए टी, ऊपर जाएगा
एम एल टू टी माइनस थ्री, इसी पावर का ऐसा यूनिट वाट बोलते हैं, ठीक है। तो जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट लिखना सिखाएंगे, आगे देखते चलिए। एम एल टू टी माइनस थ्री या टर्क। अब नया नया डायमेंशन की बात करो, प्रेशर, स्ट्रेस बोलेंगे हिंदी में, प्रतिबल बोलते हैं, बल का रिएक्शन, स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अलग एक चैप्टर पढ़ाएंगे इलास्टिसिटी एलेवेंथ के ही मैकेनिक्स में, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा। इनर्जी डेंसिटी बोलेंगे, इनर्जी डेंसिटी बोले तो इनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनर्जी बाय वॉल्यूम, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया, इनर्जी बाय वॉल्यूम, सब एक ही होगा डायमेंशनली। फोर्स का डायमेंशन मेरा बच्चा एम एल टी माइनस टू आ रहा है सबको, बार बार अभी से है ना, दस बार हो चुका फोर्स का डायमेंशन, अभी मैं बोल रहा हूँ फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, दो चार बार तो अभी बोल दिया, तो एम एल टी माइनस टू। और एरिया का डायमेंशन एल स्क्वायर, एम एल माइनस वन टी माइनस टू होगा बच्चों, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू किसका, प्रेशर का, स्ट्रेस का, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इनर्जी डेंसिटी, सबका डायमेंशन एक ही होगा इस तरह का। आगे देखो भाई, एक छोटा बताऊँ, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, डीके कांस्टेंट, रेडियो एक्टिविटी का इंपॉर्टेंट टर्म होगा डीके कांस्टेंट, हबल्स कांस्टेंट, हबल कांस्टेंट, सब का डायमेंशन क्या होगा, वन बाई टी के बराबर, टी इनवर्स बोलेंगे, एम जीरो एल जीरो टी इनवर्स, नया नया टर्म सब आपको सीखना। तो ये सब डायमेंशन बार बार प्रैक्टिस करने का चीज़ है, हबल्स कांस्टेंट बोलेंगे। नया टर्म होगा यार हबल कांस्टेंट, रिसेशनल स्पीड क्या है आगे देखेंगे समझाएंगे, लेकिन स्पीड, रिसेशनल स्पीड बाय डिस्टेंस, एक टर्म आएगा ग्रेडियंट, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी नीचे जोड़ दो, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब डिवाइडेड बाय लेंथ बोलेंगे, अभी तो यही सीखना है। रेट का मतलब, यहाँ रेट था तो डिवाइडेड बाय टाइम, तो जहाँ जहाँ अभी की भाषा में रेट आएगा वो डिवाइडेड बाय टाइम, और ग्रेडियंट आएगा तो डिवाइडेड बाय लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलेंगे, टेम्परेचर बाय लेंथ, प्रेशर ग्रेडियंट बोलेंगे, प्रेशर बाय लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलेंगे, पोटेंशियल बाय लेंथ। तो जिसमें भी ग्रेडियंट वर्ड आ जाए तो समझ लो कि जो क्वांटिटी, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट बोले तो क्वांटिटी प्रेशर है, और ग्रेडियंट बोल रहे तो प्रेशर बाय लेंथ, या डायमेंशन और यूनिट के लिए यह तरीका आपको मिला है। तो हबल रिसेशनल स्पीड, स्पीड हो गया एल टी माइनस वन, और एल तो टी माइनस वन, अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट बोल रहे थे तो वेलोसिटी बाय डिस्टेंस, तो वेलोसिटी के लिए एल टी माइनस वन एल टी इनवर्स, तो यह हबल्स कौन, ये डायमेंशन सबका चार्ट बना के दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एस सी वर्मा में, जिसमें भी डिफरेंट जो जो बुक आपके पास होगा, तो एनसीईआरटी में ढेर सारा, लास्ट में मैं जो कन्वर्सन लिखाया बोला वह सब है आपके पीछे एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम में एलेवेंथ वाले में, फर्स्ट पार्ट में क्या है, लास्ट में अपेंडिक्स दिया हुआ है, डिफरेंट अपेंडिक्स में हमारा वो जो कन्वर्सन है सो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा ये सब का फार्मूला, सिंपल फार्मूला सब जानकारी करनी लेनी है, तो वो तो मैथमेटिकल टूल्स में आएगा, लेकिन अभी हम डायमेंशन लिखाना सिखाएं, एक लेवल तक की बात की है, अभी आप डायमेंशन को अगले लेक्चर में और बढ़ाएंगे, हम आज की पढ़ाई यहीं तक रख रहे हैं, अभी एलेवेंथ का दौर है, मतलब स्टार्टिंग है आपका, है ना, अभी से आप इंटरेस्ट पैदा करोगे तो आपको आगे समझने में दिक्कत नहीं होगा, इसको छोड़ोगे तो फिर आगे समझाने और समझने दोनों में दिक्कत होने वाला है, तो इसलिए अभी से लगे रहिए, जितना बताया जाता है आपकी एबिलिटी इससे ज़्यादा है तो और भी करें, लेकिन कम से कम जितना हर लेक्चर का चीज़ है उसको
आगे के लेक्चर के समय में इस लेक्चर सब का बात आपको याद रहना चाहिए, दिमाग में समझ कर आना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ है। मैं पिछले 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात किया है ना, मास के लिए केजी, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडल, और सबका डिफिनीशन आपको मैं कहूँगा अपने नोटबुक में। आप क्या करोगे, किताब की सहायता से एनसीईआरटी चाहे भी जिस भी बुक से, उसका डिफिनीशन लिख लेंगे हम अपने स्तर से। आप उसको समझाने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा, और समझाने के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या करना है याद करा देना है आपको हमको, कि एक मीटर में क्या इंपॉर्टेंट डिजिट सब आने वाला है, एक सेकंड में क्या आने वाला है। तो आगे के लेक्चर में ये सब बात करेंगे। मैं बोला कि हर लेक्चर में हम कोशिश करेंगे क्या, कि मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में 5 लाइन 10 लाइन जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो देखेंगे आगे के क्लास में।